सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि टेलीग्राम में OTP नोट रिसीव, अगर आपके OTP नहीं आ रहा तो क्या करना है, आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए तो अपने भाई को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में आपको एक VPN डाउनलोड कर लेना है, कुछ इस तरीके का सिंगापुर VPN डाउनलोड कर लेना है। और कुछ इस तरीके का लोगो है और इसके हैं कितने मिलियन डाउनलोडर है, 1 मिलियन इसके डाउनलोड है। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले कनेक्ट कर लेना है। ये जो बटन वाला सेक्शन है बीच वाला, इसमें क्लिक करके नंबर फर्स्ट वाला जो सर्वर है आपको उसमें क्लिक करना है और वॉच एड्स में क्लिक करके कुछ 30 सेकेंड का एड चलेगा उसको क्लोज कर देना है। ये वॉच एड में क्लिक करना है। सो अगर आपको एड को क्लोज कर देना है, एड को क्लोज करने के बाद आपको बीच वाले बटन का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा आपका VPN, सही है। तो VPN कनेक्ट करने के बाद आपको सर्च में जाना है। सर्च में जाने के बाद आपको टेलीग्राम ओपन करना है। टेलीग्राम ओपन करने के बाद यहाँ पर कंट्री आपको सेलेक्ट कर देना है, जैसे कि हमारी कंट्री है पाकिस्तान, और यहाँ से मैं नंबर डाल देता हूँ। नंबर डालने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास OTP अब फ़ौरन आ जाएगा, सही है। पहले नहीं आ रहा था, अब OTP आ जाएगा क्योंकि हमने VPN ज्वाइन कर लिया, सही है, कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद मेरे पास एक नोटिफिकेशन आएगा। सिंपली नोटिफिकेशन को ऑन करके एक मिनट्स का 2 मिनट्स का सेकंड चलेगा और वो OTP मैं इसमें डाल दूंगा, सही है। सो बस मेरे पास OTP आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि OTP यहाँ से डाल देता हूँ इजीली तरीके से, सही है। देख सकते हैं कि मैंने OTP डाल दिया और ये मतलब टेलीग्राम। सो बस कोड डालने के बाद देख सकते हैं कि OTP फ़ौरन आ गया मेरे पास कनेक्ट करने के बाद VPN। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।